हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शन मैनिया। मैं हूं आपका होस्ट हुमैज़ और हम करने जा रहे हैं रिव्यू रेस 3 का। तो फाइनली रेस 3 मैंने देख ली। ईद के 3 दिन थे और तीनों दिन बहुत बिजी था, इतने मेहमान ये वो, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो फाइनली रात को बैठा हुआ था, कोई काम नहीं था, तो सोचा टॉरेंट ही कर लूँ। टॉरेंट किया तो रेस 3 का मुझे कोई अच्छा फ्रेंड मिल गया तो मैंने देख ली, क्योंकि पाकिस्तान में रेस 3 अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। पाकिस्तान में रेस 22 को रिलीज़ होगी और ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों इतना लेट रिलीज़ हो रही है, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड हो चुकी है। क्योंकि जून को सलमान खान की मूवीज़ पाकिस्तान में बहुत देखी जाती हैं। सलमान खान को पाकिस्तानी लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं पसंद करता हूँ और भी बहुत हमारे फ्रेंड्स और लोग हैं पाकिस्तान में। सलमान खान की काफ़ी मूवीज़ हिट होती हैं, जबकि उनकी दो पिछली मूवीज़ ट्यूबलाइट तो वैसे ही नहीं हो पाई, क्योंकि वो मज़ा नहीं था, बहुत बोरिंग थी। दूसरी चीज़, टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है थोड़ी पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल की वजह से पाकिस्तान में नहीं लग पाई। तो फाइनली रेस 322 को पाकिस्तान में लगेगी, बट मैं टॉरेंट कर सकता हूँ तो मैंने टॉरेंट कर लिया। तो टॉरेंट करने के बाद उस मूवी के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं आई और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी भी लगी। तो दोनों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेस 3, रेस 1, रेस 2 एंड रेस 3। तो रेस 1 और रेस 2 तो समझ में आती, क्योंकि वो दोनों एक मूवी एक सीक्वेंस में थी। रेस 1 एंड रेस 2 प्लॉट थे दोनों के, वहाँ पे सैफ अली खान का प्लॉट था, यहाँ पे जॉन अब्राहम का प्लॉट था। 2 के अंदर तो वही कहानी आ गई, बिपाशा की डेथ होती है एंड देन जॉन अब्राहम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो वन पार्ट से दूसरी पार्ट तक मूवी जा रही, एक सीक्वेंस है, पता चल रहा है हाँ ओके ये लाइन में चल रही है। लेकिन रेस 3 बिल्कुल ही डिफरेंट है। उस मूवी के अंदर एक भी प्लॉट पिछली मूवी से लिंक नहीं करता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रेमोट सुगर ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि उसको मूवी का नाम रेस 3 रखा। अगर इस मूवी का नाम रेस 3 नहीं होता तो शायद ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट होती, क्योंकि उस मूवी की स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो पीछे की दो पार्ट तो कुछ है नहीं। हाँ मैं ये बोलता हूँ रेस रिलोडेड कर सकते हो आप, अगर रेस 3 सीरियसली रेस 3 बिल्कुल ही डिफरेंट प्लॉट है। ऐसा कोई मुझे समझ नहीं आया क्यों किया उन्होंने। तो बहरहाल मूवी की स्टार्टिंग हो रही है, अनिल कपूर की एंट्री। अनिल कपूर लुक सो डैशिंग इज नाइट, उनका एक्शन सीन, जिस तरह उनका लुक था, सब अच्छा था। मूवी स्टार्ट हो रही है एक डील के ऊपर, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, जिन्होंने नहीं देखी फजू में गालियाँ देंगे यार मुझे तो देखो ऐसा नहीं है, वक्त की बर्बादी नहीं कर सकते, हर बंदे का अपना टेस्ट है मूवी का, तो आप देखें सब देखें, मैं मना नहीं करता। तो मूवी स्टार्ट हो रही है एक डील के ऊपर, देन एक सीन आ गया, क्या नाम है उसमें, थोड़ी अनिल कपूर की और सामने की करेक्टर था वट एवर, को मैं जानता था बिल्कुल ही न्यू करेक्टर, कोई न्यू ही करेक्टर था। मोस्टली इस मूवी के अंदर कास्ट की बहुत कमजोरी, कास्ट बहुत कमज़ोर थी मूवी की। मोस्टली सलमान खान हो गए, जैकलिन हो गए, अनिल कपूर हो गए, ये कोई एक लीडिंग कास्ट कह सकते हैं आप। बेदी शाह, साकिब सलीम, देन आई थिंक दूसरा मुझे वो विलन है आई थिंक राणा नाम है मूवी में उसका, उसका नाम मुझे नहीं पता। तो मुझे ये समझ नहीं आया इन कास्ट को क्यों लिया, आप इनकी जगह अच्छे कैरेक्टर ले सकते हैं। बॉबी देओल को काफ़ी टाइम बाद देखा स्क्रीन पर, वो भी एक्शन मूवी में, अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद। मेरी उनकी पर्सनल फेवरेट मूवी थी सोल्जर, मैंने बहुत बार देखी है। तो मूवी का प्लॉट चल रहा है, देन एक्शन सीन आ गया उसके अंदर, क्या नाम है, अनिल कपूर के ऊपर अटैक हो रहा है, सबसे बड़ा भंड मूवी के अंदर। तो सीरियसली सामने बैठी हुई ऑडियंस, यार ऑडियंस के बाद दिमाग है, आप थोड़ा सोचें, आप एक शॉट में दिखा रहे हो अनिल कपूर उस गाड़ी में बैठ रहे हैं और वो गाड़ी रोल्स रॉयस है, और देन अगले सीन में जब उस गाड़ी के ऊपर अटैक हो रहा है वो रोल्स रॉयस नहीं है, वो आई थिंक जैगुआर या कैडिलैक है। सीरियसली वो पूरे सिनेरियो में गाड़ी चेंज हो गई, पहले उस गाड़ी का गेट रोल्स रॉयस के स्टाइल में पैकल खुलता है यू कर, देन गाड़ी चेंज होकर उसका गेट यू खुलता है। सीरियसली ऐसे नहीं, आप आवाम को उल्लू समझ रहे तो सही है, आवाम उल्लू हो सकती है। दूसरी चीज़, मूवी का प्लॉट, कैरेक्टर्स आप दिखा नहीं रहे, पहले आपने करेक्टर बहुत बड़ा फंड, अगर आप मुझसे पूछे जाएँ तो आप एक सीन दिखा रहे हैं उसमें आपने सब करेक्टर दिखाया, पहले अनिल कपूर दिखाया हाँ भाई ये शमशेर सिंह है, देन आपने दूसरा भाई ये उसकी बेटी है, देन तीसरा ये उसका बेटा है, देन फोर्थ करेक्टर बॉबी देओल आ गया, ये बॉडी गार्ड कह लें या फिर आप क्या नाम है सचिन कह लें या फिर उनका जो भी, देन आप सलमान खान को हाफ दिखा रहे हैं, उनको शीशे शीशे के अंदर पूरा फेस दिखा रहे हैं, ओके आपने सलमान खान को बिग अपेयरेंस दिखानी है, ओके डन। आप एक कैरेक्टर को नहीं दिखा रहे मूवी के अंदर, वो है जैकलिन। अगर आप मूवी को बिल्कुल एक्यूरेटली
बिना टाइम वेस्ट किए इधर उधर बात किए बिल्कुल फोकस से देखें तो आपको पहले ही प्लॉट में पता चल जाएगा यहाँ पे जो एक करेक्टर है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो करेक्टर नहीं दिखा रहे लेकिन एक करेक्टर को कहानी सुना रहे कि तुम्हारा काम है कि तुमने इनको इन्वेस्टिगेट करना है। ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे आपको फील होगा कि वहाँ पे एक करेक्टर मिसिंग है तो माइट बी पॉसिबल वही हो। चले आगे आ गए मूवी के अंदर, आगे जा रहे हैं मूवी के अंदर। सबसे बैड सीन, बेकार स्टोरी। दूसरी चीज, एक्सट्रीम एक्शन। 10 मिनट का एक्शन सीन खत्म होता है, 2 मिनट बात होती है, देन एक्शन सीन, फिर बात होती है, देन एक्शन सीन। ओके, ये भी मान लिया, चलो ठीक है, एक्शन पसंद है लोगों को, एक्शन देखते हैं लोग, ठीक है। अनिल कपूर असैसिनेट को अटैक हो रहा है, उनके बाद उनके बच्चे उनके विलन्स के वेयर हाउस पर आगे अटैक करने जा रहे हैं, ठीक है। दो बंदे गए, उन्होंने अटैक किया, सलमान खान की अपीयरेंस, सीरियसली आप एक बंदे को पैराशूट जंप फ्लाइंग सूट के साथ आप पैराशूट से उस बंदे को छत से वो वेयर हाउस के अंदर आ रहा है और देन वो हवा के अंदर ही बैक फ्लिप कर रहा है। सीरियसली वो बैक फ्लिप किए बगैर भी बंदे को मार सकता है, बैक फ्लिप जरूरी नहीं था। वही नहीं सुना रेमोट इशू तो करना क्या चाह रहे थे मूवी के अंदर, और मैं किसी को बुरा नहीं बोला, लेकिन सीरियसली मूवी फारिक थी, बहुत फारिक। मूवी का प्लॉट चलते जा रहा है, आपके सामने वाला चल रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कौन किसके अगेंस्ट चल रहा है, कौन किसके अगेंस्ट चल रहा है, पूरी मूवी एक सर्कल में घूम रही है। देन हमारे पास एक हार्ड ड्राइव आ जाती है, इस हार्ड ड्राइव के अंदर पॉलिटिशियन का डेटा है और वो डेटा इतनी आराम से चोरी भी हो गया, वो डेटा इतनी आराम से क्या है मूवी के अंदर एक से ज़्यादा आप बिट्रे कर रहे हैं। सलमान खान के एक्शन सीन्स बहुत ही ज़्यादा जाग हो रहा है, साई हमार से कहना कोई एक डायलॉग, ये तो कंपलसरी हो गया सलमान खान के लिए कि वो एक डायलॉग को लेके आधी मूवी खींच देते हैं, किक 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 किक। ओके, वांटेड उसमें भी यही था, एक ही डायलॉग कंटिन्यूसली बार बार। एक बार जो मैंने कभी कर दी उसके बाद सुनता सीरियसली। बॉडीगार्ड, बजरंगी भाईजान, टाइगर जिंदा है, ये कोई ट्रेडमार्क हो गया बस, नहीं यही है, यही डायलॉग होगा हर जगह, यही डायलॉग होगा बार बार मूवी के अंदर, 3 से 2 बार ये डायलॉग आ चुका। जैकुलिन की एक्टिंग मच बेटर देन डेजी। सलमान खान उस पेस पे नहीं थे उस मूवी के अंदर, उनका रोल जिस तरह सैफ अली खान ने पिछली 2 मूवीज़ में रोल रखा था वो बहुत डिफरेंट था और इस मूवी में बहुत डिफरेंट था। इट्स नॉट लाइक फेक बट इट्स लाइक इज नॉट अ करेक्टर। सस्पेंस मूवीज, मिस्ट्रीज मूवीज या फिर एक ऐसी मूवी जिसके अंदर आपने बिट्रे दिखा कौन किसका धोखा करेगा, वो करेक्टर फेस से ही चलाक टाइप का होता है, थोड़ा क्लेवर, थोड़ा शार्प, बट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं था मूवी। बैड सॉन्ग्स, कोई एक सॉन्ग मजा नहीं था। पिछली 2 रेस मूवीज के सॉन्ग बहुत हिट थे, बहुत हिट थे, लेकिन अब नहीं, बेकार मूवी एंड तक आई। सबसे बड़ी चीज विलन, आप एक यंग एक्टर ले रहे हो जिसको आवाम जानती भी नहीं है, कभी देखा ही नहीं, मुश्किल से मैंने आई थी विलन जिसमें लिया है मूवी के अंदर राणा राघव, उसकी मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी, हाँ हॉलीडे, वो हॉलीडे में विलन था, लेकिन मैं हॉलीडे में भी देख के सोच रहा था यार अक्षय कुमार ने ऐसा विलन ले लिया, मतलब कोई ढंग का विलन नहीं मिला, 1000 मिल जाते यार ये चीज़। देन एंडिंग मूवी की, ठीक है वो एंडिंग में रोल्स रॉयस वाला सीन मुझे समझ में आ गया, वो एंडिंग में रोल्स रॉयस सीन बेसिकली ये था, रोल्स रॉयस पे अटैक होता है, रोल्स रॉयस पे क्या नाम रॉकेट छोड़ते हैं और मगर वो रोल्स रॉयस को क्रॉस करके पीछे जीत जाते हैं, ओके क्लियर हो गया। लेकिन बॉबी देओल की शर्ट क्यों उतरवा दी, सीरियसली हर मूवी के एंड में शर्ट उतरवाना ज़रूरी है, ये मुझे बात समझ नहीं आई समाधान की, क्यों बड़ी दिखानी है, सिक्स दिखाना यार, खैर हो गई, स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए दिखा दो, सोते हुए दिखा दो, एक्सरसाइज करते हुए दिखा दो, लेकिन हर मूवी के एंड में विलन से लड़ते हुए शर्ट उतर जाती है यार। और बॉबी देओल की बॉडी किसने देखनी थी यार, जो ठीक है समाधान की देखी हुई है हर बार। बहरहाल मेरे हिसाब से
जो अगर मैं मूवी को एवरेज दूँ तो इट्स 2.5, नॉट मोर देन 2.5, सीरियसली 2.5। अगर आप इसको माइंड से ये सोच लें कि ये रेस 3 नहीं है, बेसिकली डिफरेंट मूवी है, मतलब रेस 3 अपन कॉन्सेप्ट नहीं, ये अलग मूवी है, तो इट वुड बी अ लिटल बिट एंटरटेनिंग। बट अगर आप उसको रेस 3 का पार्ट समझ रहे हैं तो दिस इज टोटली शिट, अ टोटल शिट। सो थैंक यू गाइज, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा बोलने के लिए, क्या बोलूँ उस मूवी के बारे में, समझ नहीं आ रहा सीरियसली, मैं क्या बोलूँ, मुझे स्पॉइलर भी देना आप लोगों को, अगर मैं स्पॉइलर देने बैठूंगा वही वाली बात है, यार मैं स्पॉइलर दे दिया यार पूरी मूवी ख़राब हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं है, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा मूवी के लिए, लेकिन मूवी देखो, मैं फ्रेंड्स को भी रिकमेंडेड करता हूँ कि आप मूवीज देखें, हर मूवी को देखें, नॉट ओनली बॉलीवुड, मैं तमिल मूवीज देखता हूँ, तेलुगु मूवीज़ देखता हूँ, मैं कोरियन मूवीज़ देखता हूँ, हर मूवी की डिफरेंट स्टोरी होती है। एक चीज़ जो मुझे बहुत कॉमन लगी, अगर आप मूवी देखें तो आप उसको थोड़ा रियलाइज़ करें, तो सोल्जर्स मूवी के बारे में बात करूँ बॉबी देओल की, उसकी स्टोरी लाइन और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत इंटरेक्ट करती है, बहुत मिलती जुलती स्टोरी लाइन से, थोड़ा वो कह सकते हो आप चेंजिंग कर सकते हो आप, लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट मिलता है। तो काइंडली गाइज देखें आप मूवी, फिर आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग, पहला रिव्यू था यार, पूरा कमेंट नहीं करना, और काइंडली लाइक अस, सब्सक्राइब अस, और लाइक कर, एम नहीं रखना लेकिन लाइक करो, जितना लाइक कर सकते करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मैं आगे और वीडियोस बनाता रहूं, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू गाइस, क्योंकि मेरे बहुत से वॉचर्स इंडिया में भी हैं और भी कंट्रीज में, तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सलमान खान का फैन नहीं हूँ या मैं उनको क्रिटिक कर रहा हूँ, लेकिन मैं बॉलीवुड मूवीज़ देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके बारे में गलत परसेप्शन ना दूँ, लेकिन मूवीज़ में जो है वो है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। काइंडली थैंक यू गाइज़।